नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और दोस्तों, अगर आपके पास Redmi Note 8 या फिर Redmi Note 8 Pro का डिवाइस है तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि दोस्तों सेकंड अपडेट मतलब कि MIUI 11 का सेकंड अपडेट दोनों ही डिवाइसेस के ऊपर रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। और दोस्तों, अगर आप Redmi Note 8 Pro का यूज़ करते हैं तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि फर्स्ट अपडेट मतलब कि MIUI 11 का फर्स्ट अपडेट 11.0.1.0 का अपडेट कुछ दिन पहले मतलब कि नवंबर के महीने में Redmi Note 8 Pro को रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन दोस्तों कुछ बग्स के कारण उस अपडेट के ऊपर सस्पेंड किया गया था। उसका नेक्स्ट अपडेट मतलब कि 11.0.2.0 का अपडेट कुछ यहाँ पर लोगों को रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि पार्शियल अपडेट टेस्टिंग के रूप में रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। वैसे दोस्तों ग्लोबल स्टेबल अपडेट उसके बाद यू रॉम सभी डिवाइसेस को Redmi Note 8 Pro में अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 11.0.2.0 का वर्जन सेकंड अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखते रहिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, अगर आप एक Redmi Note 8 Pro के यूजर्स हैं एंड अभी तक आपके डिवाइस के अंदर MIUI 11 का ग्लोबल स्टेबल अपडेट देखने को नहीं मिला है, मतलब कि इंडियन अपडेट देखने को नहीं मिला है, तो आपको सीधा डायरेक्टली 11.0.2.0 का वर्जन देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों पहला वर्जन था यहाँ पर सस्पेंड हो चुका है एंड कुछ लोगों को अपडेट देखने को मिल चुका था। लेकिन दोस्तों जो अपडेट यहाँ पर सस्पेंड हो चुका है तो दूसरा भी अपडेट रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो चुका है, जो कि 11.0.2.0 का स्टेबल वर्जन है। और दोस्तों अपडेट मिलने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ से देख सकते हो लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल, जो कि एक नवंबर का लेटेस्ट एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिल जाता है। एंड MIUI का वर्जन भी देख सकते हैं 11.0.2.0 का लेटेस्ट आपको वर्जन मिल जाता है, जो कि पहले अपडेट मिलने के बाद आपको सेकंड अपडेट देखने को मिल चुका है। और दोस्तों, अगर आपके Redmi Note 8 Pro में अभी तक अपडेट देखने को नहीं मिले तो यहाँ पर थोड़े दिन का वेट कीजिए, क्योंकि दोस्तों पब्लिक अपडेट रोलिंग आउट होने के बाद सभी यूजर्स को अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों इस अपडेट के बाद काफी सारे कोई चेंजेस और फीचर्स देखने को मिल चुके हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम MIUI 11.0.2.0 का अपडेट देखने को मिल चुका है तो काफी सारे कोई लेटेस्ट मतलब कि अच्छे अच्छे चेंजेस देखने को मिल चुका है इसी Redmi Note 8 Pro में। तो दोस्तों बात करें यहाँ पर चेंजेस और फीचर्स की, यहाँ पर कंप्रेसिव डिजाइन आपको लेटेस्ट कंप्रेसिव डिजाइन जो कि ऑप्टिमाइज किया गया डिजाइन देखने को मिल जाता है। रिडिजाइन आइकॉन पैक से टेक्सटाइल चेंजेस हो चुका है। ऐप वॉल्ट में जो बग्स था वो भी यहाँ पर फिक्स हो चुका है। साथ ही दोस्तों बात करेंगे और भी कुछ नेक्स्ट चेंजेस और फीचर्स के बारे में, जो कि नोटिफिकेशन पैनल्स में कुछ यहाँ पर क्विक टॉगल शॉर्टकट्स ऐड किए गए हैं, जैसे कि पहले शॉर्टकट्स देख सकते हैं जो कि है डार्क मोड का मतलब कि डार्क थीम का शॉर्टकट्स है, तो बार बार आपको यहाँ पर सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे यहाँ पर देख सकते हैं क्विक शॉर्टकट के जरिए डार्क थीम मतलब कि डार्क मोड इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद और भी कुछ शॉर्टकट्स है, जैसे कि देख सकते हैं मी रिमोट है तो मी रिमोट भी यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ ग्रे स्केल्स है एंड सेल्फी जैसे कुछ शॉर्टकट्स है। साथ ही दोस्तों स्क्रीन कास्टिंग मतलब कि आप अपने फोन के ऊपर स्क्रीन कास्ट कर सकते हैं स्मार्ट टीवी पर, वो भी यहाँ पर सेटिंग में जाने के बाद मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद दोस्तों और भी कुछ आपको अच्छे अच्छे चेंजेस देखने को मिल चुके हैं, जो कि आपको सेटिंग्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग ओपन करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग के यूए चेंजेस हो चुका है एंड सबसे पहला फीचर देख सकते हैं जो कि है कनेक्शन एंड शेयरिंग। तो दोस्तों कनेक्शन शेयरिंग में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और भी कुछ यहाँ पर छोटे से चेंजेस देखने को मिल चुके हैं, जैसे कि स्क्रीन कास्टिंग का फीचर्स है एंड प्रिंटिंग का फीचर्स है। लेकिन दोस्तों प्रिंटिंग का फीचर यहाँ पर प्रॉपरली वर्क नहीं हो रहा है, तो नेक्स्ट अपडेट के बाद आपको प्रिंटिंग का फीचर यहाँ पर प्रॉपरली वर्क करेगा। साथ ही दोस्तों स्क्रीन कास्टिंग मतलब अपने फोन के ऊपर स्मार्ट टीवी पर कनेक्ट कर सकते हैं वायरलेसली। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे नेक्स्ट फीचर, जो कि डिस्प्ले में आपको डार्क मोड तो पहले से देखने को मिल जाता है एंड कुछ यहाँ पर नॉचेस एंड उसके बाद उसे यहाँ पर देख सकते हाइट नॉचेस का बग्स था वो भी यहाँ पर फिक्स हो चुका है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट चेंजेस और फीचर्स के बारे में, जो कि है साउंड एंड वाइब्रेशंस में। तो दोस्तों साउंड एंड वाइब्रेशन में देख सकते हैं ये में काफी बड़ा चेंजेस देखने को मिल चुका है, जैसे कि वॉल्यूम बटन्स थे वॉल्यूम बटन्स में चेंजेस किया गया है। और साथ ही दोस्तों ऊपर की तरफ से देख सकते हैं जो कि यार नोटिफिकेशन साउंड है, उसके बाद इवेंट्स है, फोन रिंगटोन्स है एंड अलार्म के कुछ साउंड इफेक्ट्स है, मतलब कि दोस्तों कुछ नेचुरल साउंड इफेक्ट्स इसमें ऐड किए गए हैं। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि MIUI 10 में कुछ नेचुरल साउंड इफेक्ट्स ऐड किए गए थे, उसी तरह से MIUI 11 में भी आपको कुछ नेचुरल साउंड इफेक्ट्स भी ऐड किए गए। तो दोस्तों अगर आपको एक्सेस करना है तो सबसे पहले उसके ऊपर डाउनलोड करना है एंड डाउनलोड करने के बाद आप आसानी से उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब उसके ऊपर सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको साउंड एंड वाइब्रेशन में कुछ ऊपर चेंजेस देखने को मिल चुका है। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट चेंजेस और फीचर्स के बारे में, जो कि ऐड हो चुका है नोटिफिकेशंस में। तो दोस्तों नोटिफिकेशन पासवर्ड से पर कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि दोस्तों अगर आपको लॉक स्क्रीन में अगर आपको नोटिफिकेशन रिसीव करना है तो लॉक स्क्रीन में भी किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन रिसीव कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं अगर आपको नोटिफिकेशन पैनल के नीचे किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन रिसीव करना है तो रिसीव कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन देखते हैं नोटिफिकेशन का बैजेस, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ किसी भी एप्लीकेशन का नोटिफिकेशन का आइकॉन रिसीव करना है तो रिसीव कर सकते हैं। एंड साथ ही दोस्तों जितने सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन अपने फोन के अंदर है उसके ऊपर नोटिफिकेशन ऑन या फिर ऑफ रख सकते हैं, मतलब कि इनेबल या फिर डिसेबल भी रख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों छोटा सा और भी चेंजेस दे सकते हैं, जैसे कि नोटिफिकेशन सेट। तो दोस्तों नोटिफिकेशन सेट में आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं नोटिफिकेशन का स्टाइल है, अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड जैसा रखना है तो स्टॉक एंड्रॉइड जैसा रख सकते हैं एंड अगर आपको कस्टमाइज MIUI जैसा रखना है तो कस्टमाइज MIUI जैसा रख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों कस्टमाइज MIUI में काफी बेटर आपको नोटिफिकेशन का स्टाइल देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल चुका है नोटिफिकेशन की कैटेगरीज में। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे
नेक्स्ट चेंज ऑफ फीचर्स के बारे में जो कि है होम स्क्रीन के अंदर। और दोस्तों काफी सारे लोगों को लगा था कि फर्स्ट अपडेट को इंस्टॉल करे बाद होम स्क्रीन के अंदर आपको ऐप ड्रॉअर का फीचर देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों ऐप ड्रॉअर का फीचर ऑफिशियली अभी तक इनेबल नहीं हो चुका। अगर आपको इनेबल करना है तो मैंने यहाँ पर रिसेंटली एक वीडियो बनाकर रखा है, अगर आपको देखना है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आसानी से ऐप ड्रॉअर इनेबल कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों होम स्क्रीन के अंदर आपको एक छोटा सा फीचर ऐड हो चुका है जो कि है ब्लर ऐप रिव्यू। तो दोस्तों ब्लर ऐप रिव्यू पर क्लिक करे बाद कुछ एप्लीकेशन का अगर आपको सिलेक्ट करना है तो कुछ एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं एंड उस एप्लीकेशन को ऊपर ओपन करके देखेंगे, मतलब कि अगर आप उसको एप्लीकेशन को एक्सेस करेंगे सारी सारी जो इन्फॉर्मेशन उस पेज की यहाँ पर हाइड कर सकते हैं प्रीव्यू में, मतलब कि दोस्तों रिसेंट ऐप ओपन करेंगे या फिर बैकग्राउंड यहाँ पर दे सकते, इस प्रकार से पूरा का पूरा पेज यहाँ पर ब्लर हो जाता है। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर गलती से आईडी पासवर्ड यहाँ पर भूल कर रह जाए तो यहाँ पर दे सकते हैं रिसेंट टाइम में भी किसी भी प्रकार से कोई भी यहाँ पर बंदा उसके ऊपर एक्सेस नहीं कर सकते है। उसके बाद दोस्तों आपको दे सकते हैं नेक्स्ट चेंज ऑफ फीचर्स जो कि आपको थीम्स के अंदर लाइव वॉलपेपर का फीचर देखने को मिल चुका है जिसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन दोस्तों उसके पहले पर बात करेंगे बैटरी एंड परफॉर्मेंस। दोस्तों काफी सारे लोगों के यहाँ पर कमेंट्स आए थे कि बैटरी एंड परफॉर्मेंस में काफी सारे को यहाँ पर बैटरी ड्रेन के इशू देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों इस अपडेट के बाद वो भी यहाँ पर प्रॉब्लम्स फिक्स हो चुका है। साथ ही दोस्तों काफी सारे लोगों को लगा था कि अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का फीचर फर्स्ट अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगा, लेकिन दोस्तों अभी तक अल्ट्रा पावर सेविंग मोड का फीचर देखने को नहीं मिला है। इसके लिए आपको नेक्स्ट सीरीज के अपडेट का इंतजार करना पड़ेगा। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट चेंजलों के बारे में जो कि आपको ऐड हो चुका है ऐप्स के जो कैटेगरी, मतलब कि ऐप का फंक्शंस है उसमें ऐड हो चुका है। तो दोस्तों ऐप्स के कैटेगरी में जो सारे सारे फंक्शंस है जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ऐप लॉक है, उसके बाद परमिशन है, उसके बाद दोस्तों काफी सारे फंक्शंस है, ड्यूल एप्लीकेशन है, मैनेज एप्लीकेशन है, सिस्टम एम सेटिंग है, मतलब जो सारे सारे फंक्शंस बाहर थे वो सारे सारे फिट कर दे, बस अंदर फिट कर दे बस एक ही टैब में, वो है एप्लीकेशन का टैब। एंड साथ ही दोस्तों अंदर जाकर देखेंगे एप्लीकेशन लॉक में, तो एप्लीकेशन लॉक में आने के बाद हिडन एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन लॉक का कुछ अलग अलग यहाँ पर सेक्शन किया गया, जैसे कि उसके ऊपर दोनों सेटिंग यहाँ पर अलग अलग सेट किए गए हैं। तो दोस्तों अगर आपको ऐप लॉक लगाना किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को उसका एप्लीकेशन लॉक लगा सकते हैं एंड कोई भी एप्लीकेशन अगर आपको हाइड करना है तो वो भी यहाँ पर हाइड कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन यहाँ पर फिट किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों डिजिटल वेलबींग का फीचर्स तो पहले से था, मतलब जो लेटेस्ट डिवाइस है उनके पहले से आपको फीचर देखने को मिल जाता है। बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर स्पेशल फीचर्स की, स्पेशल फीचर में देख सकते हैं गेम टर्बो का फीचर्स है, तो गेम टर्बो का फीचर इनेबल करना है तो सेटिंग में जाने के बाद इनेबल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों और भी फीचर दे सकते हैं जो कि है क्विक रिप्लाई। तो दोस्तों इस क्विक रिप्लाई के फीचर्स के मदद से आसानी से व्हाट्सएप, वीचैट, उसके बाद क्यूक जैसे यहाँ पर जो कि चैटिंग एप्लीकेशन यहाँ पर जैसे कि दे सकते हैं यूज करते वक्त उसके ऊपर क्विक रिप्लाई दे सकते हैं विदाउट ओपनिंग एप्लीकेशन, तो बार बार आपके यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड साथ ही दोस्तों नीचे की तरफ से दे सकते जो कि यार एप्लीकेशन की लिस्ट है, मतलब कि जो जो एप्लीकेशन के यूज करते वक्त अगर आपको रिप्लाई देना है तो यहाँ पर नीचे की तरफ से दे सकते एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है। जैसे कि दोस्तों नीचे के सारे सारे एप्लीकेशन दे सकते हैं, यहाँ पर एप्लीकेशन यूज करते वक्त किसी के यहाँ पर चैटिंग का मैसेज आता है तब आसानी से उसको यहाँ पर क्विक रिप्लाई देख सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पर देख सकते हैं सेटिंग्स के अंदर आपको कुछ इस प्रकार से छोटे मोटे चेंज लोग देखने को मिल चुका है। अगर आपको फर्स्ट टाइम एमआई 11 का फर्स्ट अपडेट देखने को मिल चुका है तो इस प्रकार से सारे सारे आपको चेंज लोग फीचर्स देखने को मिल जाएंगे सेटिंग्स के अंदर। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे बाहर के फीचर्स, मतलब की होम स्क्रीन एंड एप्लीकेशन को क्या क्या चेंजेस देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों बाहर के फीचर में देख सकते हैं सबसे पहले टूल की कैटेगरी, तो टूल की कैटेगरी में देख सकते हैं मी कैलकुलेटर है, तो मी कैलकुलेटर में काफी बड़ा चेंजेस देखने को मिल चुका है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेटर को ओपन करेंगे तो कैलकुलेटर को ओपन करेंगे यहाँ पर देख सकते यूजर इंटरफेस काफी बड़ा चेंजेस देखने को मिल चुका है। लाइफ की कैटेगरी, उसके बाद दोस्तों फाइनेंस की कैटेगरी, तो कुछ यहाँ पर यूटिलिटी पॉइंट्स ऐड किए गए हैं। एंड साथ ही दोस्तों कॉर्नर में देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ से पेफी मोड फाइनली इनेबल हो चुका है, मतलब कि फ्लोटिंग विंडोज का जो फीचर्स है एमआईयू 11 अपडेट को इंस्टॉल करे बाद सभी फोन्स के अंदर इनेबल हो चुका है और कुछ लोगों ने इसके ऊपर पहले से एक्सेस किया होगा कुछ अल्फा टेस्टिंग के अंदर। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट चेंज ऑफ फीचर्स के बारे में जो कि आपको ऐड हो चुका है गैलरी के अंदर। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं गैलरी को ओपन करके देखेंगे तो सबसे पहला फीचर देख सकते हैं जो कि है मंथ व्यू, मतलब कि आप आसानी से टू फिंगर से यहाँ पर जूमिंग जूम आउट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको पता होगा कि रेडमी नोट 8 काफी लेटेस्ट डिवाइस है और लेटेस्ट डिवाइस में आपको काफी सारे अच्छे अच्छे फीचर देखने को मिलने वाले कुछ अपकमिंग अपडेट्स के बाद, जैसे कि दोस्तों स्काई कलर रिप्लेसमेंट है, तो स्काई कलर रिप्लेसमेंट के बाद कुछ और भी फीचर देखने को मिलने वाले जैसे कि प्रिंटिंग का फीचर्स है, मिक्सर का फीचर्स है। एंड दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इनबिल्ट एडिटर आपको गैलरी के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, तो बार बार आपको यहाँ पर किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी वीडियो को कट करने की या फिर वीडियो को एडिट करने की। तो दोस्तों काफी आपको अच्छे अच्छे फीचर्स इस गैलरी में देखने को मिलने वाले हैं। बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स जो कि यहाँ पर देख सकते हैं लाइव वॉलपेपर आसानी से यहाँ पर सेट कर सकते हैं, तो अगर आपके गैलरी में किसी भी प्रकार का वीडियो है, मतलब कि दोस्तों किसी भी प्रकार का एनिमेशन का वाला वीडियो है, तो जो भी आपको वीडियो पसंद आता है तो उस वीडियो को आप आसानी से लॉक स्क्रीन या फिर होम स्क्रीन दोनों के लिए पर लाइव वॉलपेपर सेट कर सकते हैं। तो सिंपली आपको उस वीडियो पर क्लिक कर देना है, क्लिक करे यहाँ पर देख सकते हैं थ्री डॉट पर क्लिक करे बाद सेट एज अ वीडियो वॉलपेपर पर क्लिक कर देना है। एंड सेट एज अ वीडियो वॉलपेपर पर क्लिक करे बाद आपको यहाँ पर अप्लाई करना है लॉक स्क्रीन के लिए या फिर होम स्क्रीन या फिर बोथ दोनों के लिए आपको सेट करना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं लाइव वॉलपेपर आप आसानी से सेट कर सकते हैं किसी भी वीडियो का। उसके बाद और भी कुछ छोटे मोटे फीचर्स ऐड किए गए, जैसे कि देख सकते हैं नोट्स के अंदर को एक टास्क का फीचर
ऐड किया गया है। तो दोस्तों इसके पहले आपको सिर्फ और सिर्फ नोट्स लिखने का आपको फीचर देखने को मिलता था, लेकिन इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद आपके फोन्स के अंदर आपको टास्क का फीचर भी ऐड किया गया है। साथ ही दोस्तों अगर टास्क के सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद यूज टास्क टूल बॉक्स पर इनेबल करेंगे, तो इनेबल करने के बाद यहाँ पर देख सकते होम स्क्रीन के अंदर इजिली टास्क को ओपन कर सकते हैं, सिंपली आपके ऊपर स्वाइप करना है। साथ ही दोस्तों अगर आपको कुछ न्यू टास्क यहाँ पर क्रिएट करना है तो नीचे की तरफ से देख सकते प्लस का ऑप्शन है, तो पासवर्ड से न्यू टास्क यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको कुछ छोटे मोटे चेंजेस और फीचर्स देखने को मिल चुका है Redmi Note 8 Pro डिवाइस के अंदर फर्स्ट MIUI 11 को इंस्टॉल करने के बाद। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, एंड फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।